नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारी यूनिवर्सिटी अपडेट यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सीयूसेट पीजी का फॉर्म फिल करके आए हैं और अभी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं। ये डाउट माइंड में काफ़ी ज़्यादा रहेगा कि कब तक हमारी आंसर की आएगी यार, हमने जो क्वेश्चन लगाए थे वो कितने ठीक होते हैं, कितने नहीं ठीक होते हैं, कौन सी हमें यूनिवर्सिटी मिलेगी, क्या कोर्स मिलेगा, जो हमने ड्रीम यूनिवर्सिटी रखी है वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो सभी जो डाउट हैं वो होने भी चाहिए और उन डाउट को इसमें क्लियर भी किया जाएगा। वीडियो को पूरी वॉच ज़रूर करना, जो भी डाउट होगा इस वीडियो में आई थिंक क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं क्लियर होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कराइए और उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सभी डाउट को भी क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपकी आंसर की कब तक आएगी, क्योंकि ये डाउट काफ़ी ज़्यादा माइंड में रहता है जब एंट्रेंस एग्ज़ाम या कोई भी पेपर देके आते हैं हम। उसके बाद सबसे पहले आंसर की रखती है कि आंसर की आने के बाद ही हम बोलेंगे कि यार हमको कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी, कौन सा कोर्स मिलेगा। सबसे पहले नंबर ही हमें पता हो जाने चाहिए। तो मैं आप सभी को बता दूँ, जो सीयूसेट है, सीयूसेट एनटीए करा रहा है आपका, तो एनटीए का जो यूजी का पेपर पहले हुआ था उनके पेपर ख़त्म होने के बाद उनके एक हफ्ते के बाद यहाँ पर जो है आंसर की देखने को मिली थी। आंसर की दो आई थी, एक आपकी आंसर की होगी, मतलब एक आपका क्वेश्चन होगा आपकी रिस्पांस की होगी जो आपने लगाए होंगे, और एक फ़ाइनल आंसर की होगी। फ़ाइनल आंसर की मतलब जो एनटीए देगा, फाइनल नहीं होगी वो, फाइनल आंसर की तब होगी जैसे कि किसी स्टूडेंट ने चैलेंज कर दिया क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन गलत है, उसका आंसर ये होगा। तो उसके लिए आपको कुछ ऑथेंटिक सोर्स भी लगाना होता है कि आपने कहाँ देखा, किस बुक से देखा, कहाँ देखा मतलब। तो उसके लिए एक आपको जो है पीडीएफ के फॉर्मेट या फ़ोटो या पीजीपीजी कुछ भी मतलब उसको अपलोड करना पड़ता है, उसको अपलोड करना पड़ता है, कुछ फ़ीस जाती है। अगर वो क्वेश्चन ठीक पाया जाता है तो आपको प्लस नंबर हो जाते हैं, और वो उनको भी जिन्होंने करा उनको तो मिलेंगे ही, और प्लस में जिस भी स्टूडेंट ने वो क्वेश्चन लगाया होगा उन सभी को वो क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। समझ गए? तो आंसर की जो है काफ़ी मतलब डाउटफुल रहता है कि आंसर फिर कब तक आएगी। तो एक हफ्ते में जो है यूजी वालों की आंसर की देखने को मिली थी। अभी आप ये मान सकते हैं कि अभी आपके पीजी के जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 20 से 25 तारीख तक, मतलब 20 से 25 तारीख तक आपके जो है आंसर की देखने को मिल जाएगी। ये मैंने अधिक से अधिक बताया, इससे ऊपर आंसर की नहीं होगा, हो सकता है इससे पहले आ जाए, मतलब आपको मैंने पूरा ये बता दिया कि इससे पहले ही रहेगी, और 20 से 25 के अंदर अंदर आपके आंसर की देखने को मिल जाएगी, और फाइनल इसके बाद ही जो है आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। रिजल्ट अभी भी नहीं आएगा, क्योंकि कोई बच्चा अगर डाउट करता है किसी क्वेश्चन पे तो अगर वो चैलेंज करता है फिर फीस काटती है, फिर उनके पास जो क्वेश्चन जाता है उसके बाद जो है फाइनल आंसर की आती है, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है, मतलब 1 से 2 दिन का टाइम भी वहाँ लगेगा। तो आप भी कह सकते हैं कि सितंबर के आखिरी में मिल जाएगा, या तो ये आपको अक्टूबर के माह में देखने को मिलेगा, फर्स्ट वीक में आपका जो रिज़ल्ट है। जो चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ जो पहले हुआ है जैसे कि सीयूसेट में जैसे जैसे हुआ है वैसे ही आपको उसी के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, पीजी में भी वही होने वाला है। और पीजी में अभी जो है एनटीए जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कंडक्ट कराएगी, तो वहाँ पर भी उसका थोड़ा सा माइंड रहेगा, वहाँ पे भी काम वाम रहेगा। हो सकता है यहाँ पे आपका सीयूसेट पीजी का थोड़ा सा धीरे धीरे प्रोसेस हो जाए, जैसे कि आंसर की आपका हो गया, रिजल्ट हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग आपका अक्टूबर के फर्स्ट वीक में तो आ जाएगा आपका फाइनल रिजल्ट, और सितंबर के लास्ट वीक तक आपको जो है आपकी आंसर की देखने को मिल जाएगी। पर 20 से 25 के बीच में आपको आंसर की देखने को ज़रूर मिलेगी। बने रहें चैनल पर, और जैसे भी आंसर की आती है या कोई भी आपको एनटीए इन्फॉर्मेशन रिलीज़ करता है तो आपको हम वीडियो के माध्यम से सबसे पहले बता देंगे। कोई अगर आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।